देश के धोनी के लिए साइकिल राइड या कंटेंट के लिए धोनी को ट्रिब्यूट या अपने कंटेंट को बूस्ट करने का निंजा टेक्निक। मुझे गाली देने से पहले और वीडियो के 10 सेकंड देख के कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले एक बार पूरा वीडियो जरूर देख। बचपन में ना मुझे क्रिकेटर बनना था, बट कोई नहीं, भगवान हर किसी के हर सपने तो पूरे नहीं करता। लेकिन जब माही भाई को खेलते हुए देखते ना, तो बस महेंद्र सिंह धोनी, सच बताऊं तो मेरी दुनिया है। श्योर कि आप सबकी भी होंगे। बहुत लोग कह रहे हैं कि ये उनका लास्ट IPL है, पता नहीं, लेकिन अगर सच में लास्ट हुआ तो इसलिए हम निकल रहे हैं एक जर्नी पे, अपने माही भाई के लिए एक ट्रिब्यूट देते हैं, और आप सब भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ उस जर्नी पे। हम तय करेंगे 2400 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से चेन्नई तक साइकिल पे। हेलो, प्रणाम, स्वागत है एक और नए वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे फ्लाइंग बीस्ट यानी गौरव तनेजा के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता है, ये एक पेशे से यूट्यूबर है यानी ब्लॉगर है। इनके चैनल पे अभी 8 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं और अभी ये धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए यूपी से चेन्नई तक साइकिल पे राइड कर रहे हैं, जिसकी दूरी करीब करीब 2400 किलोमीटर है। और इस कैंपेन का नाम है #देशकाधोनी। जब इन्होंने इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू लोगों को बताया कि ये धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो वही बकचोदी शुरू हो गया। एक कंटेंट के लिए कर रहा है, इसका करियर खत्म होने वाला है, इसलिए धोनी के नाम से कंटेंट बनाना चाह रहा है, और ऐसा ऐसा बहुत कुछ। मगर क्या ये सच है, ये ट्रिब्यूट है या सेल्फ प्रमोशन? अगर आपको इस पे डाउट जा रहा है कि ये कंटेंट के लिए किया जा रहा है, धोनी के लिए नहीं, तो एक बार के लिए अपने गांड को उठाओ और साइकिल पे डालो, और उस गांड के साथ साइकिल को 100 किलोमीटर बस चला के देखो, खुद पता चल जाएगा ये कंटेंट के लिए है या ट्रिब्यूट के लिए। क्योंकि कार्य आसान है या कठिन, ये वो करके पता चलेगा, तो एक बार ट्राई कर लो। भोसड़ी के घर में बैठ के टिप 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 कमेंट करना और इस गर्मी में साइकिल चलाना, बहुत ही दो अलग चीज है। और भोसड़ी की अगर बात रहा कंटेंट का, तो 15 दिन से उसके चैनल पे कोई एक वीडियो नहीं आया है। अगर वो कंटेंट के लिए ही कर रहा होता, कंटेंट ही उसको चाहिए रहता, ट्रिब्यूट के नाम पे सिर्फ वो अपने चैनल को बूस्ट ही करना चाहता, तो एक वीडियो के जगह डेली दो वीडियो आता। मगर 15 दिन से उस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आया है, और कुछ गधे के पैदाइश बोल रहे हैं कि वो साइकिल नॉर्मल नहीं है, वो इलेक्ट्रिक है। अरे बोका चोदा इंसान, चल चल एक बात बता, आँख के साथ पैदा हुआ था ना, या पैदा होने के बाद आँख में लौड़ा चला गया? अरे भाई भगवान मोदी है, थोड़ा सोच समझ के बोल ले। हाँ मैं मानता हूँ फ्लाइंग बीस्ट ने एक गलती की है, और वो गलती है इस इंसान को वीडियो में ले। हम जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होती है कंटेंट के लिए। अबे मैं तो बोल रहा हूँ मैं बाहर जाता हूँ, मैं व्लॉग नहीं करता, वरना तो मैं टॉफी लेने जाऊँ उसको भी व्लॉग कर दूंगा। मेरा हर एक मिनट कंटेंट है, तो धोनी से क्यों मिल्क ना करे? और अगर तुम्हें लगता ना ये IPL का ऑडियंस मिल करने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सही पकड़े हैं। साल में 365 दिन होते हैं, 12 महीने, किसी महीने में नहीं, इसी महीने में क्यों होना ये? देख तेरे सिर पर मिला जुला कर ऐसे भी 4 ही बाल बचा हुआ है, मगर तेरे वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है कि बाल के साथ साथ तेरा दिमाग भी उड़ते जा रहा है। अरे गधे का गांड, भोसड़ी के वो ट्रिब्यूट इसलिए दे रहा है क्योंकि सबको पता है कि मे भी हो सकता है ये धोनी का लास्ट IPL हो, तो उसके कैरियर को ट्रिब्यूट देने का जब वो एक्चुअल में खेल रहा है, तो इससे बेटर मौका और दूसरा नहीं हो सकता है। मगर ये बात तो तेरे को समझ में आएगा नहीं, बोका चोदा इंसान। देखो ना हम गौरव तनेजा हैं और ना ही हम उसके कोई करीबी रिश्तेदार, जो मुझे पता हो कि इसके पीछे उसका इंटेंशन क्या है। मगर हाँ इतना जरूर पता है कि अगर सिर्फ ये कंटेंट के लिए होता, तो कोई इस गर्मी में सुबह से शाम तक साइकिल चला के तो नहीं जाता। और जो लोग को लग रहा है कि ये उसके कंटेंट को बूस्ट करने के लिए है, तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो उसके मीटअप पे आ रहे वो गौरव तनेजा के भी फॉलोअर्स हैं, और अकॉर्डिंग टू मी एक प्योर और एक सच्चा ट्रिब्यूट है, क्योंकि हम गौरव तनेजा को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आई नो हिज लव टुवर्ड्स क्रिकेट एंड हिज लव टुवर्ड्स धोनी। देखो जिसको मानना है कि ये सच्चा ट्रिब्यूट है मानो, और जिसको नहीं मानना है गांड मराओ गुड्डी उड़ा। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।